कर लो, ठीक है। बड़े बड़े जब क्वेश्चन, हालांकि तुम्हें नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे जब क्वेश्चन करोगे बड़े बड़े लेवल के, तो उसमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक रॉकेट का है, 5000 kg रॉकेट सेट वर्टिकली फायर्ड। अगर 5000 रॉकेट है उसको हम वर्टिकली फायर करते हैं ऊपर, द एग्जॉस्टेड स्पीड 800 m/s टू गिव द इनिशियल अपवार्ड एक्सलेशन। अगर हमने अपवार्ड एक्सलेशन इनिशियल 20 m/s दिया, ठीक है, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्ट पर सेकेंड नीडेड टू द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड सप्लाई नीडेड टू थ्रस्ट। पहले क्वेश्चन को समझो कि अगर, हाँ क्वेश्चन को समझो, अगर ये रॉकेट है, अगर ये रॉकेट है, तो रॉकेट का जो मास है वो मान लो 5000 kg ऐसा दिया हुआ है। वर्टिकली फायर, एग्जॉस्टेड स्पीड गैस, जो गैस बाहर आ रही है उसकी स्पीड जो है वो 800 m है, 800 m/s है, क्लियर है। एंड गिव इनिशियल अपवार्ड एक्सलेशन, अगर मैं अपवार्ड ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेशन 20 m/s² देता हूँ इसको, द अमाउंट ऑफ गैसेज स्पीड पर सेकेंड टू सप्लाई नीडेड द थ्रस्ट, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, जो जो गैस बाहर आ रही है पर सेकेंड, dm/dt, हम लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी है, dm/dt की कैलकुलेशन करनी है। तो dm/dt की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करें कि कैसे dm/dt कैलकुलेट करें। अब देखो समझो, रॉकेट ऊपर जाता कैसे है, ठीक है। रॉकेट पे दो फोर्स लगेंगे, एक अर्थ लगाएगी mg, और एक जो गैस बाहर आ रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में ft लगाएगी, अप थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स, या उसको ऊपर की डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही एक्सलेशन ए देता है, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेशन देता है। अभी आपको बहुत ऐसे सवाल मिलेगा जब एक्सलेशन जीरो होगा, तो इन दोनों को बराबर कर देना। तो इस पे दो ही फोर्स लगा, एक जो गैस बाहर आ रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अर्थ नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ft ज्यादा है जिसे ऊपर एक्सलेट हो रहा है। तो इसका जो इक्वेशन बना वो बना ft माइनस mg दैट इज इक्वल टू ma। अब जो ft की वैल्यू है वो आ जाएगी ma प्लस g के इक्वल आ जाएगा। और आपको याद होगा ft पढ़े होगे, जब वेरिएबल मास होता है तो वेरिएबल मास की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज v dm upon dt इज द मास ड्यू टू फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, ठीक है। तो ये आ जाएगा v dm upon dt दैट इज m a प्लस g। मतलब जो dm/dt की जो वैल्यू आ जाएगी, gm/dt की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी m a प्लस g और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v, क्लियर है। चलो अब सबकी वैल्यू डाल दो, इतना सा काम कर दो। तो मास रॉकेट का कितना था, 5000, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितना दिए थे 20, ठीक है, यह आ जाएगा 20। और जी की वैल्यू 10 ले लो, डिवाइडेड बाई स्पीड, इनिशियल स्पीड 800, हाँ इनिशियल स्पीड ये है 800, ठीक है ये। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करो, 2020 को ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 30 और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 8 × 5 = 40 = 25, ठीक है, 9.8 लिया क्या यार, dm/dt इज इक्वल टू 187.5। एक मिनट, ये यहाँ पॉइंट में कटेगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, 50 और मल्टीप्लाइड बाई 30 और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 8 इसको काट लेना, 1.875 kg आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, 1.875 kg। तो इसको 1.1578 इसको कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक है,
किया जाएगा 187.5 kg, मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, बस आपको समझ में आना कि रॉकेट जाता कैसे है ऊपर। दो केस होते हैं जनरली पूछे जाते हैं, रॉकेट पे फोर्स गैस का ऊपर लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगी, अब एक्सलेट करेगा तो इक्वेशन ये लिखोगे, अगर एक्सलेट नहीं करेगा इन दोनों को बराबर कर दोगे, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा।